भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। शिवसेना का बंटवारा हुए एक साल का समय बीत गया है। दोनों ही पार्टियां बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर अपना दावा जता रहे हैं। 19 जून को शिवसेना का स्थापना दिवस है और शिंदे शिवसेना और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे इस मौके पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेंगी। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, साथ ही निकाय चुनाव भी होने हैं। यही वजह है कि स्थापना दिवस के मौके पर दोनों ही पार्टियां अपने आप को असली शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे की उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश करती दिखेंगी। स्थापना दिवस के मौके पर शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना उत्तर पश्चिमी मुंबई के गोरेगांव में कार्यक्रम आयोजित करेगी। वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना सेंट्रल मुंबई के सियोन में स्थापना दिवस का जश्न मनाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने बताया कि स्थापना दिवस के कार्यक्रम में प्रदेश भर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। बता दें कि बीते साल जून में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 39 विधायकों ने शिवसेना में उद्धव ठाकरे नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसके चलते महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में आ गई और सरकार गिर गई। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और शिंदे राज्य के सीएम और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। चुनाव आयोग ने भी शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को असली शिवसेना माना और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे की पार्टी को देने का फैसला किया। बाला साहेब ठाकरे ने 19 जून 1996 को शिवसेना का गठन किया था। शिवसेना ने मराठी मानुष के सम्मान को अपनी राजनीति का आधार बनाया। अब पार्टी का बंटवारा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।